आपने बेटा और बेटी का ब्याह तो कर सकते हो, घर के मुंडन तो कर सकते हो, घर का कोई फंक्शन तो कर सकते हो, लेकिन सामाजिक कार्य कराना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि नहीं हो सकता। मैं पिछले मेरे गांव की रामला 40 वर्ष की हो गई, इस बार 40वां वर्ष था, और लगभग 25 वर्ष से मैं अपने संयोजन में करा रहा हूँ। आदरणीय सीएम भाई उस संरक्षक की, और मैं उनके गांव में, मैं उनको उनके गांव की माटी को प्रणाम करते हुए बहुत गर्वारा मन होता है, घर भी कुछ वहां खरीदने पर, क्योंकि मैं अमर पत्रकारिता कर रहा हूँ 15-16 साल से, लेकिन मैं जो पूर्वा के सबसे प्राचीन मंच है राघवेंद्र नाटक सांस्कृतिक समिति, जो पूर्वा का सबसे लगभग 150 साल पुराना मंच है, वहां से हम लोगों ने सीखा, और वहां एक लाला गणेश गुप्ता जी हुआ करते थे। तो एक बार की बात है कि एक लक्ष्मण का पाठ करने वाला कोई नेता बीमार हो गया था, प्रायः हमारे भाई लोग वहां राम लक्ष्मण का पाठ करते थे, हमारे चाचा करते थे, फिर उनके लड़के सब करने लगे, तो फिर वो हमारे पास घर आए और बोले बाबू जिससे कि कोई लक्ष्मण के खेली लड़का बताइए, हमारे यहाँ लक्ष्मण का पाठ करता है, बीमार हो गया। तो फिर उन्होंने एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में पास हो गए, तो कई वर्ष तक वहां पर हमने अभिनय किया, फिर अपने गाँव में किया। तो इस तरीके से करते करते रामलीला से गहरा संबंध है, गहरा लगाव। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए रामलीला करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन राम के आदर्शों पर चलना, उनके जीवन के अनुरूप अपने जीवन को चलाना, ये बड़ा काम है। राम ने सबरी के यहां बैठाया, सबरी तो भेली थी जिसको हम अनुसूचित जाति कहते हैं, राम सवर्ण व्यादि के थे, ठाकुर थे, लेकिन सामाजिक ये व्यवस्था का अभाव दूर हो, समाज अगड़े पिछड़े के भाव से मुक्त हो, एक सामाजिक वातावरण ऐसा करके, तो राम का ऐसे सर्वोच्च उदाहरण नहीं हो सकता। तो राम ने कहा वहां तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा स्थान तो यहां है, तुम मेरे मित्र हो, मित्र का स्थान कभी नीचे नहीं होता, बराबर बराबर होता, ये सम्मान राम ने दिया।